सीएससी के द्वारा न्यू टू व्हीलर इंश्योरेंस कैसे करते हैं वो हम आपको आज दिखाएंगे। तो मेरा मकसद यही था कि मुझे भी जब यूट्यूब में मैं सर्च किया था न्यू टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में, कहीं सर्च करने से नहीं मिला, तो इसी वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आज हम आपको न्यू टू व्हीलर इंश्योरेंस सीएससी के द्वारा कैसे कर सकता है वो भी बिल्कुल आसानी से हम आपको ले चलेंगे। मेरा चैनल पे वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको फुल समझ में आ जाए और आगे जाके आपको कोई परेशानी की सामना ना करना पड़े। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे डिजिटल सेवा में। डिजिटल सेवा मुझे पहले से लॉगिन किया हूँ मेरा, तो अभी हम HDFC एर्गो में चलेंगे। HDFC एर्गो में क्लिक किया, ऐसा एक पेज खोल के आया। अभी हम CSC कनेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे सामने ये आए, जब भी टू व्हीलर के न्यू इंश्योरेंस होता है वो कंप्रिहेंसिव में चला जाता है, तो हम आप क्लिक करेंगे बाय में। ऐसा सर्च होने के बाद ऐसा एक पेज खोल जाएंगे जिसमें हमारा ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू विदाउट व्हीकल नंबर या अब्लिक न्यू व्हीकल, तो हम इसमें क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, बिल्कुल न्यू व्हीकल है। जो भी इधर कंपनी है, कई भी कंपनी जैसे इधर बजाज है, तो हम पल्सर की करने जा रहे हैं तो हम बजाज में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास पूरा उसका जो भी पल्सर प्लेटिना ये खुल जाएंगे, तो हम पल्सर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसका जो CC है, हमारा कौन सा मॉडल का है, जैसे मेरे पास 150 IBS है तो इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आता है जैसे हमारा बाइक है ब्रांड न्यू, यानी हम न्यू बाइक का इंश्योरेंस करने जा रहा है जो शोरूम से अभी अभी निकला, यानी 6 मंथ के ड्यूरेशन में हम न्यू बाइक माना जाता है उसको, तो हम अभी ब्रांड न्यू में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम RTO सिलेक्ट करेंगे। जैसा हमारा सर्च बटन में क्लिक किया, दैट टाइप किया, जैसा असम का बाइक है तो AS, अभी 01 गुवाहाटी का, तो ये हमारा RTO आ गया गुवाहाटी, तो हम अभी इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद में सर्च होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन खुल जाता है, एक है कंप्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी बंडल कवरेज और ओन डैमेज स्टैंड एलोन कवरेज, तो हम न्यू बाइक है इसलिए कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बंडल चूज करेंगे। चूज करने के बाद सर्च होंगे, सर्च होने के बाद हमारे पास ये खुल जाता है। इधर दो ऑप्शन है, एक 1 ईयर ओन डैमेज एंड 5 ईयर्स थर्ड पार्टी कवर, ये 4489, ये विदाउट GST है, और एक है 5 ईयर्स ओन डैमेज एंड 5 ईयर्स थर्ड पार्टी कवर, ये 7319 का है। तो हम क्या करेंगे, फास्ट वाला इसको सिलेक्ट करने के लिए हम और एक चीज़ करेंगे, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर ये होना ज़रूरी है, तो हम इस नो को यस करेंगे। यस करने के बाद थोड़ा इसका रेट भी बढ़ जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंश्योरेंस हमें लियाबिलिटी भी लेना चाहिए। तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी लेंगे, जैसे हम इधर
1000 से लेकर 10000 लिया हुआ जो भी है, इसके बाद में हम बाय नाउ में क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारे पास एक डिटेल खुल जाता है जिसमें हम इंडिविजुअल मिस्टर सैल्यूटेशन में मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, इधर नाम डालेंगे, जो भी नाम है डेट ऑफ बर्थ इसके बाद में मोबाइल नंबर ये पूरा डाटा भरने के बाद ये डाटा भरने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इधर जैसे हमारा AS01 आ गया, इसको हम काट देंगे। काटने के बाद क्योंकि हमारा न्यू व्हीकल है तो इधर न्यू टाइप करेंगे। इसके बाद में इंजन नंबर सेलेक्ट करेंगे, इंजन नंबर और चेसिस नंबर, इंजन नंबर चेसिस नंबर हम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम नेक्स्ट में, ऐसे करने के बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट में स्टेप जाएगा, लास्ट में जाकर हम पे कर देंगे तो हमारा न्यू बाइक का इंश्योरेंस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी इंश्योरेंस का तरीका है जिससे हम कभी प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना नॉलेज को बढ़ाए। थैंक यू।